हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी अच्छा दिन आज मेरे लिए, क्योंकि आज फाइनली मुझे गूगल एडसेंस की तरफ से मेरा जो पिन है वो मिल गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गूगल एडसेंस की तरफ से जो पिन आता है वो कैसा होता है। तो इस टाइप का एक एनवेलप आता है जो आपको गूगल एडसेंस सेंड करता है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है और जिनकी अर्निंग से जो $10 क्रॉस हो गई है। क्योंकि YouTube चैनल शुरू करने पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमारे को मैच करने होते हैं, तभी हमारा जो चैनल होता है वो मोनेटाइज हो पाता है और हम अर्निंग्स कर पाते हैं गाइज। तो गाइज, मेरे $10 इकट्ठे हो चुके थे। तो $10 कंप्लीट होने के बाद गूगल ने AdSense ने मेरे पास ये पिन भेजा है। इस पिन का क्या काम होता है कि अगर आप YouTube चैनल बनाते हैं तो आपने जो एड्रेस वहाँ पे फिल किया होता है उसको वेरीफाई करने के लिए बेसिकली होता है। तो इसमें आपको 6 डिजिट का एक पिन मिलेगा जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना एड्रेस। और मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि आप ये इस गूगल एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी बार आप अप्लाई कर सकते हैं और कितना समय इसको लगता है आपके एड्रेस पे पहुंचने के लिए। तो इस पूरी वीडियो में काफी डिटेल्स आपको मिलने वाली है इसके बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमारे को मैच करने होते हैं। जैसे कि पहला क्राइटेरिया होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपका चैनल एनेबल हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेप ये रहता है कि आपके गूगल एडसेंस में $10 इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने एड्रेस वेरीफाई करा सकते हैं और उसके लिए पिन सेंड किया जाता है गूगल की तरफ से। ये पिन वेरीफाई करने के बाद ही आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं और अर्निंग्स को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इसके बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि गाइस, ये वेरीफाई होने के बाद जब भी आपके अकाउंट में एडसेंस अकाउंट में $100 इकट्ठे हो जाएंगे तो आप अपनी जो पेमेंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। $100 से पहले नहीं कर पाएंगे, जैसे ही $100 इकट्ठे होंगे तो आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। 8 तारीख के 6 और मेरे पास ये रिसीव हो गया था 3 तारीख को। 22 तारीख को मेरे पास मेल आया था गूगल एडसेंस की तरफ से कि आपका जो है पिन वो मेल कर दिया गया है। तो मेरे एड्रेस पे ये मेल आया था और इसको आने में लगभग समय लगा, 22 से आप लगा सकते हैं 3 तारीख, तो 10 से 11 दिन लगभग मेरे को लगे हैं। तो 10 से 11 दिन मेरे को इस पिन को पहुंचाने में लगे हैं। तो आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, 3 बार अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको क्या रहेगा कि आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं आधार कार्ड के थ्रू भी। तो गाइस, अभी इसको ओपन करके देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो मेरा पिन है वो कैसा। काफ़ी खुशी का दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम लोग इसके लिए वेट कर रहे थे और फाइनली आज ही आ चुका है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम एजेस फर्स्ट, तो मैं तीनों एजेस से इसको ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा अभी हम इसको एंटर कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है। जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए वीडियो होने वाले हैं बेसिकली, अगर आपने चैनल शुरू किया है तो मेरे $10 हो चुके थे बट मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं आज इसको कर रहा हूँ। 3 तारीख को मेरे पास ये आ चुका था लेकिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 दिन बाद 6 तारीख को। फाइनली ओपन हो चुका है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या क्या होता है। तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसा कुछ ये रहता है, इस टाइप का ये रहता है। तो इसमें आपको 6 डिजिट का पिन मिलता है। पिन के बाद यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं आपको कैसे करना है, योर गूगल एडसेंस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन, और यहाँ पे स्टेप 1 जो स्टेप इसमें फॉलो करने हैं, स्टेप 2, उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे स्टेप्स दिए वो सारे आपको जो इसमें स्टेप्स दिए वो सारे आपको फॉलो करने हैं। तो अभी चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपना जो पिन वेरिफिकेशन है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में। तो एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हैं कि $11 हमारा हो चुका है। तो अभी मैं इसको वेरीफाई करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई और बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे वेरीफाई पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये पिन मैं डालूंगा जो कि 378148। मैंने पिन डाला, सबमिट किया और यहाँ पे योर बिलिंग एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड। तो ये मेरा जो पिन है वो वेरीफाई हो चुका है। और गाइस, वेरीफाई होने के बाद थोड़ा समय लगता है, उसके बाद ये आपके एड्रेस में अपडेट भी हो जाएगा और उसके बाद आपका जो अमाउंट है जैसे ही $100 रीच होएगा, $100 जैसे ही आपका अमाउंट पहुंचेगा तो आप अपना जो अमाउंट है वो यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन भी इसमें मिलता है, हम अपना बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल्स पूरी फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप सब सेव कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है, आपको स्विफ्ट कोड जरूर डालना है क्योंकि स्विफ्ट कोड बेसिकली इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, आपको स्विफ्ट कोड डालना ही डालना है। तो गाइज, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपनी बैंक की डिटेल्स वो फिल करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने में आपका जो प्रोसेस है वो सबमिट हो जाएगा। एक बार अपने बैंक से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका जो बैंक है उसका स्विफ्ट कोड अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि जिन बैंक में स्विफ्ट कोड अवेलेबल होता है सिर्फ उन्हीं बैंक में आपका जो पेमेंट है वो ट्रांजेक्शन हो पाता है। इनकेस अगर आपको लगता है कि आपका जो बैंक है उसमें स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सेम डे 0 बैलेंस वाला अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में इजीली आ जाएगा, क्योंकि मैंने चेक किया था तो मेरा जो बैंक
अकाउंट था उसका स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं था, मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया तो वहां पे भी शो नहीं कर रहा था। तो आज मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोगों का भी पेन अगर आ चुका है या आने वाला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, नीचे आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। काफी सारे प्रोडक्ट्स भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप वहां से उसको परचेज भी कर सकते हैं, आपको सेम ही प्राइस में मिलेंगे बट हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।